कुटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत सियाल गुदरी बस्ती में बीती रात करीब आधा दर्जन अज्ञात अपराधियों ने सुशील कुमार ओझा के घर धावा बोलकर 8,000 नकदी सहित हजारों रुपए की संपत्ति लूटपाट कर फरार हो गए। वहीं घटना के संबंध में भुक्तभोगी सुशील कुमार ओझा ने बताया कि अपराधी घर के मुख्य द्वार को खोलकर घर में प्रवेश किया एवं घर के दूसरे कमरे में रखे अलमारी को तोड़कर लूटपाट करने लगे। दूसरे कमरे में सो रहे घर के परिजन लघु शंका के लिए जगे तो ताला बंद किए कमरे से कुछ आवाज आई। देखने के उपरांत पर नकाबपोश अपराधी अलमीरा को तोड़कर लूटपाट कर रहे थे, जिसका विरोध घर के सदस्य सुशील कुमार ओझा ने किया, जिसके बाद अपराधियों ने अपने ऊपर भारी पड़ता देख अपने दूसरे साथियों को बुला लिया और हथियार का भय बनाकर अपने साथी को छुड़ाया एवं लूटपाट कर चलते बने। वहीं भुक्तभोगी ने घटना की जानकारी पुटकी थाने को दे दी है। पुटकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गई। हम लोग पूरा परिवार छत पर सो रहे थे, लगभग 3 बजे हम एक नंबर करने के लिए नीचे उतरे और बिजली का स्विच दी। इसी बीच कमरा से एक व्यक्ति जो नकाबपोश था निकला, उसको से हमारा पकड़ा पकड़ी होगी। इसी बीच में दो ठोर आया और हमको धक्का दे के भागे। उसके बाद हम हल्ला किए, घर वाला सब उठा, आलोस पड़ोस भी आया। कितने के लोग थे वो लोग, कुछ अंदाज पता चला कितने लोग? एक ठोर तो हम पकड़े थे जिसके, और पीछे से दो ठोर हमको लगा अंदाजा, उन लोग हम देखे नहीं, अंदाजा दो आदमी और था। और मतलब 3 लोग थे। क्या क्या सामान लेके गया? सामान वही लेडी लोग का जेवर तेवर था और नगद 8,500 रुपये ले गए। पूरे लमसम कितने की संपत्ति होगा? 70-75 हजार रुपये। 70-75 हजार। क्या इसके लिए किसी शिकायत की है क्या? थाना सूचना खाली जाए। थाना सूचना। कौन सा जगह है? पुटकी सियाल गुजरी। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार ओझा।